अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल मजबूत बसम। तो कैसे हम सब, उम्मीद करता हूँ हैरियत से होंगे। सो फाइनली काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, तकरीबन 11-12 दिन के बाद। तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि अगर आपने मेरा पहला ब्लॉग नहीं देखा तो आपको नहीं पता चलेगा मैं इतना लेट ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ। तो अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ, मेरा नाक का ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। अभी भी सही नहीं हूँ बेहतर, बट वो कहते हैं ना कि ज़रूरी था तो इसीलिए बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कोर i3 की कहानी। तो मैं पहले आपको अंदर लेकर चलता हूँ, पीसी दिखाता हूँ, उसके बाद पीसी के बारे में बात करूँगा और उसके बाद बात करेंगे ऑपरेशन की। सही है, मुकम्मल। ये भी मैं जा रहा हूँ अंदर, तो सबसे पहले मैं अपनी लाइट्स ऑन करूँ। लाइट्स, पीसी, कोर i3। सो फाइनली शुरू करते हैं सबसे पहले कोर i3 की कहानी, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे लोग इसलिए वीडियो देखने आए हैं क्योंकि मैं कोर i3 की बात करने जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स से, जो मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूं, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स से कि भाई कोर i3 का मदरबोर्ड क्या है, कितना है और रैम कितनी है वगैरह, या भाई मेरी वो कहते हैं ना कि इंस्टॉलेशन नहीं हो रही कोई भी CD वगैरह। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि भाई मैं टेक वीडियो नहीं बनाता, मैं व्लॉगर हूं। तो अगर व्लॉगिंग के बारे में कुछ पूछना हो तो आप पूछा करें कि भाई इस पर वीडियो बनाओ या इस पर वीडियो बनाओ, तो मैं ये बना सकता हूं। टेक की बात कर रहे हो यार, तो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि जब मैंने कोर i3 लिया था सिस्टम पूरा, क्योंकि मैंने इसलिए लिया था कि मैं इस पर एडिटिंग वगैरह करूँगा। तो क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से मेरा इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा था कोई भी वीडियो एडिटर, तो इसी वजह से मैंने इसे यूज़ ही नहीं किया। और इसके बाद जो भी वीडियोस आई मैंने मोबाइल पर एडिट की, तो मोबाइल पर भी शूट करता हूँ और इसी पर एडिट करता हूँ। कोर i3 लेकर मैंने रख दिया, बस पैसे वो कहते हैं ना कि फजूल थे मेरे पास, मैंने लगा दिए और इसे यूज़ नहीं किया। और अब मेरा माइंड कहीं और बन रहा है, माइंड का क्या बनता रहता है। तो बस यही कहानी थी। और मेरे कोर i3 में 4GB रैम है और 320GB हार्ड है, तकरीबन इतनी लगी हुई है। अब तो मुझे ये भी नहीं याद, सही बात कह रहा हूँ, जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तो उसमें कहा था सब कुछ। अगर किसी को नहीं पता तो वो डिटेल दे सकता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी वही वीडियो मेरे चैनल को बूस्ट करेगी। तो जैसा कि आप सबको पता है, मुझे बैड लगा था नाक को, लगा भी तकरीबन दो महीने पहले था, तो आराम आ गया था बीच में। तो उसके बाद मेरे सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी बहुत ज़्यादा, इसी वजह से ऑपरेशन कराना लाजमी था, तो इसी वजह से कराया। तो अगर आपको ऐसी कोई कहानी सुननी है तो मेरे पास वो कहते हैं ना कि बहुत बड़ी लिस्ट है अपनी कहानी सुनाने के लिए, बचपन से लेकर अभी तक कितनी बीमारियाँ। मसलन कि मैं बताता चलूँ, पीला यरकान इंग्लिश में से क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। इसके अलावा खून कम हो गया था मेरा, डेंगी, गले का ऑपरेशन, नाक का ऑपरेशन, और इसके अलावा भी बहुत से, हाँ सबसे मेन पॉइंट गंदम की एलर्जी। मैं रोटी नहीं खा सकता, गंदम नहीं खा सकता, अपनी अपनी बात होती है भाई। तो मेरे पास कहानी है, अगर सुनना चाहें तो मैं सुना सकता हूँ ऐसी कहानी। तो ये ना पूछा कि भाई कोर i3 में क्या है या आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं वगैरह, कुछ भी ऐसी कमेंट करें जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ या फनी वीडियो बनाता हूँ, मेरा एक और चैनल है और उसका लिंक मैं बहुत जल्द दूंगा। अभी इस वीडियो में नहीं दे रहा लेकिन बहुत जल्द दूंगा। तो दो काम मैं करता हूँ, या फ़नी या ब्लॉगिंग। तो आज के लिए बस इतना ही था। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।